काबली चना का छोला है। अच्छा, प्याज मसाला उसाला बस। मौसम भी ऐसा है कि बहुत अनुकूल लग रहा है इसको खाने में, और खिलाने का भी प्रबंध जो है जी जिस तरह से हो रहा है मोटा जी। मोटी जी हर स्वेच्छा से साफ सफाई के साथ मिल रहा है। देख सकते कितना बड़ा बड़ा हो गया है। क्या दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। पापी वेस्ट छोले भटूरे, खगड़िया स्टेशन रोड, स्टेशन रोड का सबसे मशहूर छोला भटूरा। कभी भी आए यहाँ का एक बार छोला भटूरा ट्राई मारे जरूर, काफी अच्छा टेस्ट होता है। कितना बड़ा बड़ा हो गया ये, इससे भी बड़ा भटूरा है ना ये, हाँ भटूरा है। अच्छा, भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार हुआ। क्या क्या बेचते हैं आप? सिर्फ छोले भटूरे। सिर्फ छोले भटूरे, क्या क्या डालते हैं छोले भटूरे में जरा दिखला दीजिए एक बार। छोला दिखला दीजिए, क्या क्या डालते हैं छोला में? 30 रुपया प्लेट। ये घर से ही बना के लाते हैं क्या? घर से ही लाते हैं। क्या क्या डालते हैं इसमें छोला में, क्या क्या डालते हैं? काबली चना का छोला है। अच्छा, प्याज मसाला उसाला वगैरह तेल डालते हैं, और क्या डालें। टाइम क्या रहता है आपका? टाइम क्या रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं ये? 9-10 बजे लगाते हैं, 10 बजे रात में। हाँ 9-10 से लगाते हैं क्या? रात कितने बजे तक? 8 बजे तक। खाली ना है। एड्रेस क्या है? एड्रेस स्टेशन, स्टेशन खगड़िया स्टेशन रोड ना, स्टेशन के जस्ट आगे ही जी। देख सकते हैं भैया यहाँ पर छोला भटूरा बनाते हैं। प्राइस क्या रहता है छोला भटूरे का? 25 रुपया में कितना देते हैं? 60 रुपया दो पीस। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार। छोला भटूरा खा रहे क्या? जी वही वही चल रहा है। कैसा टेस्ट रहता है? बिल्कुल बेहतर है। बेहतर है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। खाने के लिए भी अच्छा है, और खिलाने का भी प्रबंध जो है जी जिस तरह से हो रहा है मोटा मोटी जी हर स्वेच्छा से साफ सफाई के साथ मिल रहा है। ठीक ठीक, खाने में बहुत अच्छा है। कब से खा रहे हैं यहाँ? करीबन हम आज 2 साल से। 2 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? हम समीर बख्तियारपुर गुड़ियारी के रहने अच्छा, वाले। यहाँ किसी काम से आए थे क्या? ये काम से आए थे। जब आते हैं तो यहाँ का छोला भटूरा खाते ही खाते हैं? ये तो चाहिए। चलिए ठीक है, पूरा फैमिली के साथ आते हैं क्योंकि अभी। ये कौन है आपकी? लड़की है। लड़की है, देख सकते हैं भाई साहब छोला भटूरा खा रहे हैं। पूछते हैं इनका कैसा टेस्ट रहता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? कैलाश कुमार। अच्छा, क्या छोला भटूरा खा रहे हैं क्या? जी। कैसा टेस्ट है? टेस्ट तो अच्छा है सर। पहली बार खा रहे हैं या? नहीं नहीं, पहले भी खाए हैं। गर्मा गर्म है तो थोड़ा अच्छा लग भी रहा है। अच्छा, और दूसरी बात है कि मौसम भी ऐसा है कि बहुत अनुकूल लग रहा है इसको खाने में। अच्छा जी, कितने दिन से खा रहे हैं यहाँ का छोला भटूरा? यहाँ तो सर पहली बार अभी आज आए थे एग्जाम लिखने के लिए, तो बस जाने थे तो सोचे हम लोग। अच्छा, यहाँ पहली बार खा रहे हैं ना? हाँ जी जी। अच्छा, यहाँ पहली बार। एक बार ट्राई मारिए, कैसा है बताइए। कैसा है टेस्ट? ठीक है ना? टेस्ट अच्छा है। तो अपना नाम बता दीजिए, क्या है? राहुल कुमार। राहुल कुमार, आप भी पहली बार ही खा रहे हैं क्या यहाँ का छोला भटूरा? अच्छा, टेस्ट कीजिए, कैसा टेस्ट है? काफ़ी गर्म है छोला भटूरा, बहुत गर्म है, फूट नहीं रहा है। अब टेस्ट करके बताएंगे भाई साहब कैसा टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? अच्छा है ना? जैसा मतलब छोला भटूरा खाते हैं वैसा ही है कि कुछ अलग है? नहीं, सेम टेस्ट है, सेम ही है ना। देखिए स्ट्रीट फूड में तो बहुत अच्छा लगता है ये। क्या अच्छा लगता है, भटूरा अच्छा लगता है या छोला अच्छा लगता है? क्या दोनों का कॉम्बिनेशन? दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये भैया छोला भटूरा लगा रहे हैं प्लेट में। क्या डाल रहे हैं? छोला, हाँ। ये प्याज, हाँ। ये मिर्ची, फ्राई मिर्च, फ्राई मिर्ची है ना। ये अचार है, हाँ। कौन सा अचार है ये? नीलांग। अच्छा, ये आ गया भटूरा, देख सकते हैं तैयार हो चुका है। ये छोला भटूरा है, टेस्ट करते हैं कैसा छोला भटूरा रहता है। ठीक है, अच्छा है। छोला भटूरा के हिसाब से जैसा छोला भटूरा का टेस्ट रहना चाहिए सेम वैसा ही है, अच्छा टेस्ट है। आप लोगों को भी जब कभी भी छोला भटूरा खाना है तो आप ये खगड़िया का स्टेशन रोड है, देख सकते हैं आप यहाँ आकर भैया का छोला भटूरा खा सकते हैं। ये खगड़िया का स्टेशन रोड है, जस्ट खगड़िया के सामने ही है, खगड़िया स्टेशन के सामने भटूरा है।
ऊपर बैनर लगा हुआ है, बैनर देख सकते हैं।